हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं। थोड़ी सी सुबह हो रही है, थोड़ी सी क्या 11 बज रहे और आज हो रही है थोड़ी सी भी, जैसे कि बारिश हो रही है अभी भी। मेरा प्लान है कि बारिश में भीगा जाए थोड़ा सा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बारिश तेज ही नहीं, और मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। ओ चा तो हम आ गए हैं छत पे। मुझे काटना मत यार। क्या ही मौसम हो रहा है यार, मजे ही मजे। चलो थोड़ा सा इसमें भीगते हैं, मज़े लेते हैं। बस मेरा फ़ोन ना भीग जाए। और यहाँ पे भी एक छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खी का। ओम जी माम जी माम बिंग बिंग बो, तुम तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। ओम जी माम जी माम बिंग बिंग बो, भाई मजा आया। तो दोस्तों, बारिश तो काफ़ी धीमी हो चुकी है, लेकिन बड़ा मज़ा आया यार। इतने टाइम बाद नेचर में खुल के क्या ही मज़ा आया। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। ओके, मेरा फोकस तो हो जा। ये देखो क्या ही मौसम। तो बारिश में भीग के तो मज़ा आ गया, और हम नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अभी आज बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है मुझको। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कुछ बनाया नहीं है, और डाला भी नहीं है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो डालना तो पड़ेगा ना मतलब यार। ओके, तो अभी मुझको ये पीछे वाली जो लाइट लगी हुई है यहाँ पे, इसके ऐसे अराउंड उसको ठीक करना है। ये देख लो, उसका तार यहाँ पे ये टूट चुका है। अभी मुझे टेप ढूंढना होगा, उससे मैं देखता हूँ कि कैसे करके मैं इसको सही करता हूँ। तो ये मेरा रूम है, यहाँ पे कुछ, ये मेरी टेबल, वो रखा है डस्टबिन, यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हैं, ईयरफोन्स रखे हैं, ये रहा मेरा लैपटॉप, ये है मेरी चाय, ये है माउस, उसके नीचे और किताबें रखी हुई हैं, उधर द फेवरेट बुक गीता रखी हुई है, वहाँ एक चार्जर टंगा हुआ है। मैंने लाइट नहीं जला रखी है क्योंकि बाहर से नेचुरल लाइट आ रही है, नेचुरल, इसलिए मैंने लाइट नहीं जला रखी। और ये है खराब ईयरफोन्स जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। और ये जो है वो ट्राईपॉड का कवर है जिसे मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, ट्राईपॉड को शूट करते समय। ये केमिस्ट्री कुछ बुक्स रखी हुई हैं। और ये देखिए, यही तो है वो चीज़, ये टूट चुका है, तार वहाँ जुड़ेगा, ये देखिए। ट्रिंग 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 ट्रिंग, देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो ये वहाँ जुड़ना है, और इसका ये स्विच है, और यहाँ पे है मेरा सेटअप। सेटअप तो नहीं, बैकग्राउंड। इसको बैकग्राउंड के लिए मैंने बनाया था, और थोड़ी शोभा भी बढ़ जाती है यहाँ से। तो बस यही है मेरे रूम में, और कुछ नहीं है देखने लायक। होता भी तो नहीं दिखाता मैं, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा था। A few inches later. तो दोस्तों, किसी ना किसी तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया है, ये फिक्स हो चुका है। ये इसको हमने कुछ जुगाड़ करके कर दिया काम, ये अब ऐसा दिख रहा है।
देख सकते हो यहाँ पे कुछ लाइट्स धीमी पड़ने लगी हैं, बंद होने लगी हैं, बट काम तो चल रहा है ना, तो बस वही तो चाहिए। वाह, क्या ही शॉट आ रहा है। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है और ये बहुत ही बढ़िया। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे अपनी वीडियोस भी शूट करनी है, तो वो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरा सेटअप कुछ नहीं लगा हुआ है, देख सकते हो तुम। देखो अभी मैंने कुछ नहीं करा हुआ है, अभी मुझे यहाँ पे सब कुछ सेटअप रेडी करना है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बस एक सेकेंड में, इस टेबल को सही करके। तो जैसे कि देख रहे हो सेटअप इज रेडी। ये माइक मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये थोड़ी सी लाइटिंग के लिए, ताकि मेरा चेहरा थोड़ा अच्छा सा है। तो बस यही है मेरा सेटअप, बाकी सारा काम इससे हो जाता है। इस पे कैमरा लगाया है, इससे हो जाता है। दोस्तों अभी बज चुके हैं 7 और मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया है। सोच रहा हूँ क्या करें, तो कैजुअली करते हैं, जो भी करते हैं हम वही दिखाते हैं। तो अभी मैंने सोचा कुछ है नहीं करने को, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, थोड़ी बुक्स रीड कर लेता हूँ। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। तो मोस्टली यहाँ पे बुक्स रखी रहती हैं मेरी, जो मैं पढ़ता हूँ, लाइक गीता रखी रहती है यहाँ पे, और ये तो मेरे नोट्स हैं यहाँ पे रखी रहती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये मेरी फेवरेट बुक है ये भी। और ये रखी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये काफ़ी अच्छी बुक है, बट ये मेरे पास हिंदी में काम चल जाता है। तो ये मेन बुक है जो मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन ये बुक मेरे पापा की अलमारी से निकली है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। ये बुक है अबाउट मानसिक दक्षता, यानी कि मेंटल, क्या कह सकते हैं, क्षमता मेंटल ताकत बढ़ाने के लिए, याददाश्त को भी दक्षता कहते हैं। तो शायद उसके बारे में यहाँ पे हमारी सबसे अच्छी प्रेयर लिखी हुई है, तमेव माता च पिता तुमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविण। जैसे जैसे मैं और ज़्यादा जान रहा हूँ चीज़ों के बारे में, तो मुझे हिंदी और संस्कृत के बारे में जानने का और मन कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है यार कुछ तो है जो हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट करता है इन ग्रंथों में, इन वेदास में। और वेदास का क्या है, वेदास तो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी मैं मंडुकने उपनिषद पढ़ रहा हूँ, उसमें काफ़ी कुछ मतलब वो चीज़ें लिखी हुई उसमें जो एक सुना नहीं है। अगर तुम उसे पढ़ने बैठोगे तो लगेगा माय गॉड ये किस दुनिया का लिटरेचर है, तो कहाँ से आ गया इतना, उसमें इतनी सही डीप नॉलेज दे रखी है कि लगता है कि यार किसने लिखा है। जिन्होंने वेदास लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, मैनुअल स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, वो सारे ही नॉर्मल लोग थे। नॉर्मल नहीं थे, लेकिन हमारे जैसी थी लाइफ स्टाइल, थोड़ी नेचुरल नेचर में और रहते थे, वो मेडिटेट करते थे, ध्यान करते थे, लेकिन द लेवल ऑफ डीप नॉलेज दे गेट फ्रॉम इनसाइड ग्रंथों में, वेदास में साफ साफ लिखा कि ये जो वेदास हैं वो इनडायरेक्टली नहीं लिखे गए हैं, इनडायरेक्ट नॉलेज के थ्रू नहीं लिखे गए हैं, ये लिखे गए डायरेक्ट नॉलेज के थ्रू। डायरेक्ट नॉलेज वही होती है जो हमारी कॉन्शियसनेस से निकलती है। वेलकम टू द ब्लॉग। कॉन्शियसनेस से निकलती है और एट द सेंटर ऑफ योर कॉन्शियसनेस, जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो बहुत ही डीप में जाने में आपके अंदर से ही बहुत सारे आंसर्स निकलने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने लगते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस की है कि ऐसा होता है जब भी मैं मेडिटेशन में होता हूँ तो कुछ ना कोई नया थॉट्स आ जाता है मुझे। मेरे मन में हमेशा से ये क्वेश्चन रहता था यार, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, लाइक कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कैसे आए,
हम जाएंगे कहाँ, आफ्टर डेथ क्या होता होगा, तो ये सारे क्वेश्चन मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ अबाउट इन सब के बारे में, और ये सब मैं ढूंढता रहता हूँ कि यार कुछ तो कहीं से मिले, और सबसे ज़्यादा आंसर मुझे वेदास से मिले, गीता से मिले, और जो गुरुज हमारे हैं लाइक सदगुरु हैं, गौर गोपाल दास जी हैं, उन सबसे कितना कुछ मुझे सीखने को मिला है, और ये जर्नी मैं कंटिन्यू रखूँगा अभी, और मैं इसमें डीपली जितना हो सके उतना चाहूँगा। फिलहाल तो मैं अभी ग्रंथ वगैरह पढ़ रहा हूँ, वेदास पढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है यार इनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लोगों ने इसको समझा नहीं, उन्होंने इसको टाइम नहीं दिया, और ये धीरे धीरे नॉलेज गायब होती जा रही है, पर ऐसा नहीं होने देना यार। संस्कृत हमारे, हमारा कल्चर, हमारे स्क्रिप्चर्स इतने ज़्यादा पवित्र है ना कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लाइक हमारे जो भी रस्में होती थी पहले, रस्में होती हैं आज भी, उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता ही है, वो साइंस आज पता लगा रही है अच्छा ऐसा भी होता है। तो बहुत ही अजीब सी बात है कि यार इतना सारी नॉलेज उस टाइम कहाँ से आ गई एकदम से। मुझे काफ़ी कुछ शक भी होता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि एलियंस, लाइक तुमने अगर एक साइंटिस्ट हैं जो इवोल्यूशनिस्ट हैं, उनके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है ह्यूमंस ने ही हमें अर्थ पे छोड़ा हो, लाइक हमारी कोई स्पीशीज हो और हमारी उन्होंने ही हमें यहाँ पे छोड़ा। लेकिन फिर अच्छा थी इवोल्यूशन की बात, यार हमारा इवोल्यूशन भी तो हुआ है बहुत ज़्यादा, साफ साफ हमें फॉसिल्स मिले हैं, ये सब मिला है, लेकिन एक अजीब सी चीज़ है लाइक जो हमारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, जो हमारे मंदिर बने हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर बहुत ही अजीब है। आज के ज़माने में अगर कोई वैसी चीज़ बनाने की कोशिश करेगा तो उसे इतना टाइम लग जाएगा, और वो भी मशीनों के दम पर बनाएगा, और उस टाइम में मशीनें तो होती ही नहीं थी। और साइंटिस्ट का मानना है कि वो जो मंदिर के पिलर्स बने हुए हैं, वो सब बना हुआ है, वो बिना मशीन्स के बनाया नहीं जा सकता। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मैं थोड़ा सा शूट करूँगा, आधा ही बस, फिर अपलोड करूँगा, क्योंकि कल भी काफ़ी कुछ मैं शूट कर लेता। अभी मैंने चाय वाय पी है सुबह के लिए, और थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ अब फिर लास्ट में मैं 10 मिनट का मेडिटेशन करता हूँ, फिर बस यही है मेरा वर्कआउट रूटीन। और अब से वीकली ब्लॉग्स आएंगे, तो तैयार रहना, हर मंडे मैं अपलोड करने वाला हूँ, ये वाला शायद ट्यूसडे को जाने वाला है, पर हर मंडे ब्लॉग आने वाला है, तो बी ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा चक्कर लाई पे गजब हो गया, ये आम बच्चा देखो कितना